लिए नेचुरल टैलेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर कोई सुर में गाता है तो वाकई गिफ्टेड है, तो वो गिफ्ट वाकई में होना चाहिए, तो ही हम उसको निखार सकते हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे म्यूज़िक का ये गिफ्ट मिला है और मेरे पेरेंट्स ने इसको निखारा, उन्होंने मेरा टैलेंट पहचाना और फिर मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, फिर वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक भी मैंने सीखा और उसको और नर्चर किया, उस पर मेहनत करी और तब जाकर मैं जो थोड़ा बहुत गाती हूँ वैसे मैं गाती हूँ। क्या वो चीज़ मैंने गाते बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे बड़े होकर सिंगर बनना है और प्लेबैक सिंगर बनना है। बस मेरा ये सपना पूरा करने में मेरे पिताजी और मेरी पूरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है। बचपन में मैंने सबसे ज़्यादा सुना है जगजीत सिंह जी को। जब हम पापा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने जाते थे, स्कूल बस जब मुझे जब लेने आती थी, तो तब तक जो घर से बस स्टॉप तक की जर्नी थी उसमें गाड़ी में सिर्फ जगजीत सिंह की गज़लें चल रही होती थी। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है सुन सुनकर, करेक्ट सुर ताल और प्रोनंसिएशन, शब्दों को कैसे बोलना है, वो सब मैंने उनको सुन सुनकर सीखा है। फिर मैंने रेशमा जी को बहुत सुना, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, लता जी, आशा जी, मैं सबकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जी बड़ी अच्छी फीलिंग होती है जब आप अपना गाना बजते हुए कहीं सुनते हैं या कोई गुनगुना रहा होता है, तो बड़ी प्राउड फीलिंग आती है कि वाओ, यही तो मैं चाहती थी जब मैं छोटी थी कि मेरा जो गाना है वो घर घर में बजे, हर गाड़ी में बजे, हर रेडियो स्टेशन पे बजे और टीवी पे बजे, लोग उसको गाएं। तो एक सिंगर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि उनकी गाई हुई चीज़ आज हर जुबान पर फैली हुई है। जैसे आपने रिंगटोन की बात करी, तो कई बार ऐसा होता है हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और सडनली कहीं से आवाज़ आती है एक ओंकार सतनाम, क्योंकि बहुत पॉपुलर हुआ है एक ओंकार जो मैंने रंग दे बसंती में गाया है, एज अ रिंग टोन, एज अ कॉलर ट्यून बहुत पॉपुलर हुआ है। जी मेरा शुरू से एम ये था कि मैं ऑडियंस को ये बताना चाहती थी कि जो हमारी जेनरेशन है, जो मेरे उम्र के लोग हैं या हमसे भी जो छोटे हैं, जो यंग जेनरेशन है, जैसे कभी कभी आप बड़ों को सुनते हैं कि नहीं, ये हमारे ज़माने का म्यूज़िक है, वो ज़्यादा अच्छा होता था, ये हमारे टाइम में ऐसा होता था, आज का म्यूज़िक ऐसा है। तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि जो यंग जनरेशन है, हम भी सीरियस म्यूज़िक में हैं, हम भी म्यूज़िक को लाइटली नहीं लेते, काफ़ी सीरियसली लेते हैं। तो मेरा एक ये ज़रिया था कि मैं सूफ़ी म्यूज़िक को या ट्रेडिशनल म्यूज़िक को थोड़ा उसको मॉडर्नाइज करके प्रेजेंट करूँ, ताकि जो यंग जनरेशन है वो भी हमारे साथ जुड़े और अच्छी पोइट्री को एंजॉय करें। जी जालिमा की कहानी यही है कि मुझे जैम 8 जो कि इस गाने के म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कॉल आया और मैं स्टूडियो गई और मुझे गाना प्ले किया गया, और मैंने जैसे ही गाना सुना मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि वाह, ये तो गाना हिट होने वाला है। क्योंकि कई गाने ऐसे होते हैं कि सुनते ही आपको याद हो जाते हैं और बहुत ही कैची है, जिनकी रिकॉल वैल्यू काफ़ी होती है, तो इस गाने में वो एलिमेंट था। स्पेशली जो वर्ड है जालिमा, मैंने पहली बार ये वर्ड एक रोमांटिक गाने में सुना है, तो सुनते ही बड़ा अच्छा लगा और आई गिव माई बेस्ट, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, और मुझे पता लगा कि इस पे माहिरा खान पर पिक्चराइज होगा, तो मैंने उनको भी थोड़ा विजुलाइज़ किया। एंड आई हैव संग फॉर माहिरा बिफोर फॉर हर फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म कॉल्ड बिन रॉय, उसमें मैंने उनके लिए गाना गाया है जिसका नाम है बल्ले बल्ले, और उसके बाद दैट वाज अ प्रॉपर डांसिंग सॉन्ग, और उसके बाद ये एक रोमांटिक गाना, और फिर पता लगा रईस का है तो शाहरुख खान है, तो वो सुनकर मुझे और भी अच्छा लगा। नहीं कोई प्रेशर नहीं था, बिकॉज़ अरिजीत बीइंग अ मेल सिंगर एंड आई एम अ फीमेल सिंगर, तो पहली बात तो वहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है, इट हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मेल सिंगर हैज़ संग, और मेरी कंसंट्रेशन मेरी लाइंस पर थी और वो कैसे पिक्चराइज होगा, कैसे हीरोइन पर सूट होना चाहिए, इमोशंस करेक्ट आने चाहिए, वो सबसे पहले मेरे जहन में था कि दैट इज़ माई प्रायोरिटी, कि जो गाने का इमोशन जो पहुंचना चाहिए ऑडियंस तक, दैट शुड रीच। वेल शाहरुख खान का मुझे पता लगा है कि वो कहते हैं कि फिल्म का फेवरेट गाना है उनका, लाइक दैट्स हिज मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, एंड ही ट्वीटेड अबाउट इट, ही सेड थैंक यू टू अरिजीत एंड हर्षदीप कौर एंड द इंटायर टीम ऑफ जैम 8 एंड अमिताभ भट्टाचार्य, सो ही कॉम्प्लीमेंटेड अस एंड व्हेन ही डिड दैट बहुत ही अच्छा फील हुआ कि इतना बड़ा स्टार है बट स्टिल ही इज़ अप्रिशिएटिंग आर एफर्ट्स टू द सॉन्ग। जी ऐसा नहीं है कि एक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है वहाँ पर, मतलब वहाँ सिंगर्स को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर
वहाँ पर हॉलीवुड है और यहाँ पे बॉलीवुड है, वहाँ की हॉलीवुड फिल्म में गाने नहीं होते हैं, करेक्ट सबसे पहली बात तो यही आ जाती है। और जैसे आप आर्टिस्ट जो आप बता रहे हैं, जस्टिन बीबर हैं और यहाँ सेलिना गोम्स हैं जो भी है, तो इनकी अपनी खुद की एल्बम्स आती हैं, ये खुद सिंगर्स हैं, ये लोग वहाँ की फिल्म्स के लिए नहीं गाते हैं। वहाँ पर जैसे कुछ कुछ म्यूजिकल्स आती हैं, जैसे टाइटैनिक में एक गाना था माई हार्ट विल गो ऑन, जो कि सेलिन डियॉन ने गाया था, तो इसलिए सेलिन डियॉन को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली उस गाने के लिए, और उन्होंने गाया भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ की पिक्चरों में गाने नहीं होते, लेकिन जो हमारी फिल्म्स हैं बॉलीवुड फिल्म्स, वो ड्राइव ही म्यूज़िक से होती हैं। तो इसीलिए म्यूज़िक और जो एक्टर्स हैं वो साथ साथ चलते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि इस एक्टर पर, इस सिंगर की आवाज़ बेस्ट सूट करती है, तो दे गो हैंड इन हैंड। लेकिन डेफिनेटली जो एक्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा स्टारडम मिलता है, ज़्यादा बड़ा क्रेडिट मिलता है, क्योंकि वो नज़र आते हैं स्क्रीन पर। लेकिन जो सिंगर्स हैं वो बैक स्टेज रहते हैं, प्लेबैक करते हैं, स्क्रीन पर नज़र नहीं आते गाते, उनकी सिर्फ आवाज़ उनकी ज़्यादा बड़ी पहचान है।